कैसल के कॉम्प्लेक्स में आने के लिए आपको कोई भी फीस देने की जरूरत नहीं है। क्या हवा है, जहां हम घूम रहे हैं वहां पे ही किसी की डेड बॉडी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कंपन सोनी और वेलकम टू माय ब्लॉग्स। यह है मेरा पहला ब्लॉग, हम है प्राग चेक रिपब्लिक में। आज मैं जाने वाला हूँ प्राग के दो सबसे बड़े कासल्स में, जो कि दुनिया के दो सबसे बड़े कासल्स में भी गिनती की जाती है। मेरे पीछे है प्राग कासल, तो हम जाएंगे प्राग कासल और विशेराद कासल में भी। यहाँ पर कई सारे राजा, पॉलिटिशियंस और आर्टिस्ट भी रह चुके हैं और दोनों ही कासल्स अपने आप में बहुत ही खूबसूरत हैं। मेरे पीछे आपको दिख रहा है, ये है रॉयल गार्डन, इसे बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन किया गया है। इस रॉयल गार्डन में बहुत ही अलग अलग तरीके के फ्लावर्स है। एज अ बॉटनिस्ट मैं आपको बता दूं, आपको इसे छूना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, कोई सेंस है इस बात की। और यहाँ पर मोर भी है, काफी सारे पीकॉक्स भी है, अगर मुझे कोई दिखा तो मैं उसका क्लिप बाद में डाल दूंगा। प्राग कैसल को बनाया गया था 9th सेंचुरी में। ऐसा माना जाता है कि जब प्राग सॉर्सरी का हब था, यानी कि जादू टोने का, तब इसमें अलग से कमरे थे जो ओरेकल्स बोला जाता है, और गॉथिक टाइम्स में ऐसे जादूगर लोग होते थे जिनके अलग से कमरे रखे जाते थे। प्राग घूमने आ रहे हैं और आपको प्राग कैसल आना है, तो प्राग कैसल आने के लिए आपको मेट्रो मालोस्ट्रांस का स्टॉप पे उतरना होगा, या फिर आप ट्राम भी यूज़ कर सकते हैं। 22 नंबर की जो ट्राम है, 22 नंबर की ट्राम, वो सबसे इफेक्टिव मानी जाती है प्राग का सलाने के लिए। ये है सेंट वीटूस कैथीड्रल, इसे 9th सेंचुरी में ही बनवाया गया था। ये कैथीड्रल है, इसके अंदर जाने के लिए आपको पास लेना पड़ेगा और टिकट के प्राइसेस डिफर करते हैं। और इसकी खास बात यह है कि ये प्राग कासल कॉम्प्लेक्स का सबसे मेन अट्रैक्शन है। कई लोगों को लगता है कि यही कासल है, लेकिन ये सिर्फ ये चीज़ कासल नहीं है, ये सिर्फ एक कैथीड्रल है। पूरा कॉम्प्लेक्स जिसमें सारी बिल्डिंग्स आ जाती है उसे कासल कहा जाता है। और ये कासल कॉम्प्लेक्स दुनिया का सबसे बड़ा कासल कॉम्प्लेक्स है और इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया है। A few moments later. कासल और कासल के कॉम्प्लेक्स में आने के लिए आपको कोई भी फीस देने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई टिकट लेने की जरूरत है। पूरा कॉम्प्लेक्स बहुत बड़ा है और फ्री है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और अगर आपको गैलरीज देखने का बहुत मन है, हिस्ट्री के बारे में जानने का ज्यादा मन है, तो आप गाइड ले सकते हैं या फिर गैलरीज की टिकट भी ले सकते हैं। ये है चेक रिपब्लिक का झंडा और ये है कासल के कॉम्प्लेक्स का एंट्रेंस। ये अभी एंट्रेंस ही है और ये लगता है ये रेनोवेटेड है, ये काफ़ी नया पेंट है, इसलिए लग रहा है, लग नहीं रहा है ये पुराना है। और अब बस मैं एंटर करने ही वाला हूँ और मैं आ चुका हूँ प्राग कासल में। क्या हवा है, वाह। ये है प्राइस लिस्ट, अगर आपको अंदर जाना है, गैलरीज देखनी है, कुछ ज़्यादा जानना है। और ये है मैप, तो ये प्राइस लिस्ट देख सकते हो। स्टूडेंट डिस्काउंट तो मुझे दिख नहीं रहा है। वीकेंड्स पे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग रहते हैं, अभी भी काफ़ी लोग हैं। और मेरे पीछे ये है एक कुआं, ये मुझे पहले दूर से ऐसा लगा कि ये कोई जेल है, क्या बोला तूने, लेकिन ये कोई जेल नहीं है, ये कुआं है। और अब हम चलते हैं सेंट कैथीड्रल की तरफ। प्रेसिडेंट भी यहाँ रहते हैं, ये है प्राग कासल, यहाँ नहीं रहते, वो रहते हैं यहाँ, इसे पैलेस कहा जाता है। और सोचो यहाँ आप रहते हैं, सुबह उठते हैं और व्यू है ये। अब हम कैथीड्रल से आगे जा रहे हैं और एक व्यू पॉइंट पे जा रहे हैं जहाँ से पूरे प्राग का अच्छा सा व्यू आएगा। वो व्यू पॉइंट भी फ्री है ऑफ कोर्स, लेकिन भीड़ काफ़ी रहती है क्योंकि सैटरडे है ऑफ कोर्स। ये है व्यू पॉइंट से पूरे प्राग का व्यू। पूरे प्राग का व्यू दिखता है नॉर्थ, हम बहुत नॉर्थ में हैं इसलिए पूरा प्राग ईस्ट वेस्ट हर जगह से दिखता है। ये जो आईफिल टावर जैसा दिख रहा है, इसका नाम है पैतरीन टावर। अगर हम हिल को भी काउंट करें तो एक्चुअली में ये आईफिल टावर से लंबा है।
मैं आ चुका हूँ गोल्डन लेन में। गोल्डन लेन में जाने के लिए वैसे तो टिकट लगती है, लेकिन प्रो टिप नंबर वन, अगर आप गोल्डन लेन में शाम को 5 या 6 बजे के बाद आते हो तो बिल्कुल भी टिकट नहीं लगती। इस तरह से इसे बंद कर दिया जाता है, तो आप जस्ट वॉक कर सकते हो और चलते हैं देखते हैं। मैंने इसके लिए कोई भी पैसे नहीं दिए, देखते हैं कैसा है। तो मैं अभी गोल्डन लेन के अंदर हूँ। गोल्डन लेन एक्चुअली में एक छोटी सी गली है जिसमें छोटे छोटे घर हैं। ये घर बहुत ही छोटा है अगर पैलेस से कंपेयर करें तो। तो ये जो घर है, पुराने ज़माने में जो वर्कर लोग थे, जो काम करते थे, जो ग्लास का काम करते थे, जो लुहार थे, उन लोगों के जो घर थे पैलेस के अंदर, उसे गोल्डन लेन कहा है। ये हैं छोटे छोटे सारे घर गोल्डन लेन में, इसमें से ये वाला बड़ा पॉपुलर है, लेकिन अभी ये घर क्लोज है क्योंकि अगर आप टिकट लेके नहीं आ रहे तो आप घर के अंदर नहीं जा सकते। वैसे घर के अंदर एक्चुअली में कोई सामान नहीं है, ये सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें बेचने के लिए। तो यहाँ पे आपको सुवेनियर्स और ऐसे कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। गोल्डन लेन में ये वाला घर सबसे ज़्यादा स्पेशल माना जाता है क्योंकि ये काफ़ी पुराना है, इसमें ज़्यादा रेनोवेशन किया नहीं गया और ये एकदम फेरी टेल जैसा लगता है, बहुत ही छोटा है। इसका नंबर है N90। अगर इतनी सारी भीड़ को अवॉइड करना है तो सुबह जल्दी आ सकते हो, सुबह 7 से 8 बजे अपने होटल से निकल सकते हो और 8 से 9 बजे तक आराम से प्राग कासल पहुँच सकते हो। तो अब हम आ चुके हैं विश्वनाथ कासल में, चल। तो भाई ये गुफाओं का जंजाल है और ये अगर आप मेट्रो से आते हो तो एंट्रेंस के पास ही है। आप देख सकते हो ऐसी गुफाएं हैं और ऐसे ट्रैक। ये ट्रैक चलने के लिए भी है और साइकिल्स के लिए भी है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये जो गुफाएं हैं ये ओवरले करती है ऊपर के रास्तों को, जहाँ पे काफ़ी ठंडक है और आप देखें तो ये गुफा इतनी ज़्यादा स्पेस में नहीं है, तो काफ़ी छोटी छोटी है और पुराने से पत्थर है इसके ऊपर, तो देख सकते हो। तो भाई यहाँ आने के काफ़ी सारे रास्ते हैं। ट्राम से आओगे तो एक अलग रूट से एंटर करोगे, मेट्रो से आओगे तो एक अलग रूट से एंटर करोगे और दोनों ही रास्ते में काफ़ी अलग अलग चीज़ें देखने मिलेगी। तो अगर गुफाएं देखनी है तो मेट्रो से आ सकते हो, लेकिन दोनों ही रास्ते बहुत ही सुंदर। भाई ये है कासल का मेन एंट्रेंस, यहाँ से कासल शुरू होता है और कासल की दीवारें आप देख सकते हैं यहाँ पे। और अब मैं कासल के अंदर आ चुका हूँ। क्या हवा है, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। सोचो कि तुम प्राग के राजा हो, एक दिन तुम उठते हो और सोचते हो कि मैं अपनी प्रजा को देखूं, तो तुम्हें अपने कासल से कैसा व्यू आएगा? ऐसा। प्राग का साउथ एरिया और ये है द मेन रिवर वल्तावा। और ये है ग्रेप्स के पौधे। एज अ बायोलॉजिस्ट मैं आपको बता दूं, ये है पर्पल ग्रेप्स और ये है नॉर्मल ग्रेप्स यानी कि ग्रीन ग्रेप्स। मेरे पीछे ये दीवार दिख रही है, ये सिर्फ एक दीवार नहीं है, ये फ्रंट की वॉल है और ये जो खिड़की है उससे आप देख सकते हैं प्राग के फ्रंट पोर्शन को और प्राग कासल को। अभी जिस खिड़की की बात मैंने की टॉप मोस्ट वॉल पे, ये वो खिड़कियां हैं और यहाँ से हमें दिखेगा प्राग कासल। ये रहा प्राग कासल। चलते चलते मैं आ गया हूँ एक कुएं के पास। ये है वो कुआं, शायद ये कुआं नदी तक जाता है और सीधा नदी से ही पानी कासल में बुलाया जाता है। तो ये है चर्च का एंट्रेंस।
मैं इस वक्त हूँ कैसल की उस एरिया में जिसे कहा जाता है नेशनल सिमेट्री, यानी कि शमशान घाट। और मेरे पीछे बहुत सारी कब्रें हैं जिसे आप देख सकते हैं। ये कब्रें पॉलिटिशियंस, आर्टिस्ट और यहाँ के बड़े बड़े लोगों की है, इसलिए इसे नेशनल सिमेट्री भी कहा जाता है। अच्छी तरह से इसे सजाया गया है, मेंटेन किया गया है और उन्हें काफ़ी रिस्पेक्टफुली तरीके से ऑनर किया भी जाता है। ये देख सकते हैं यहाँ के किसी मशहूर आदमी का स्टैचू बनाया हुआ है और यहाँ पर वो आदमी भी है। क्या बोला तूने? ये जगह अपने आप में ही एक अजूबा है, लेकिन साथ ही काफ़ी अजीब भी लगता है, क्योंकि जहाँ हम घूम रहे हैं वहाँ पे ही किसी की डेड बॉडी, तो देखने में तो बहुत ही सुंदर है लेकिन अजीब सा एक एहसास होता है। ये यहाँ के एक बहुत बड़े खिलाड़ी की कब्र है, इसलिए उसे श्रद्धांजलि देने के लिए एक बॉल बनवाया गया है मेटल का। ये काफ़ी यूनिक है, मैंने ऐसा कभी पहले नहीं देखा। ये मॉनेस्ट्री पूरी तरह से लोगों से नहीं भरी हुई है, एकदम खाली है। तो आपको लग रहा होगा कि इसकी टिकट है, लेकिन नहीं, ये बिल्कुल फ्री है। इस पे आप 6 बजे से पहले कभी भी आ सकते हैं। और ये है कब्र एक एंटरटेनर की या एक्टर की, जिनका नाम है यूरी मेंजेल, जिनका देहांत हाल ही में 2020 में हुआ, और उनके श्रद्धांजलि के ही रखा गया है। तो मैंने पूरे वीडियो में खाने पीने की बात की ही नहीं। दोनों ही कासल, प्राग कासल और विशेराज कासल के कॉम्प्लेक्सेस में बड़े बड़े कैफेज हैं और खाने की बहुत सारी जगह है, तो आप खाना खा सकते हो। अगर आप वेजिटेरियन हो तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि केक्स और पेस्ट्रीज मिल ही जाएगी। बस कैच ये है कि थोड़ा महंगा होगा, तो देख लेना अपने हिसाब से, लेकिन खाना मिल जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, अच्छा लगा, तो कॉमेंट कर सकते हो। दोनों ही कासल अपने आप में बहुत बड़े हैं और पूरा कॉम्प्लेक्स घूमने के लिए ही मुझे दो से तीन घंटे लग चुके हैं। तो अगर आप गैलरी में भी जाते हो तो आपको एक पूरा दिन निकालना पड़ेगा, लेकिन दोनों ही कासल वर्थ विजिटिंग है, मैं कम्प्लीटली रेकमेंड करता हूँ। और अगर मेरे वीडियो से कुछ सीखने मिला, कोई नई जानकारी मिली, तो सब्सक्राइब कर सकते हो, ऐसे ही वीडियोज़ लाता रहूँगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में।